नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। कहने को तो हम आधुनिक भारत में हैं, तस्वीर बदल रही है, विकास हो रहा है, व्यवस्थाएं दुरुस्त हो चुकी हैं, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी कहेंगे कि यदि विकास हुआ तो कहां है। दरअसल मामला शहडोल जिले के अंतिम छोर बाणसागर का है, जहां एक वृद्ध अपनी पत्नी को इलाज के लिए पहले बाणसागर लेकर गया, लेकिन उसे समुचित इलाज मुहैया कराने को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ब्योहारी रेफर कर दिया गया। लाचार वृद्ध को न ही एम्बुलेंस की सुविधा मिली और न ही कोई मार्गदर्शन। बेबस वृद्ध अपनी पत्नी को हाथ ठेले में 25 किलोमीटर दूर बाणसागर से ब्योहारी पहुंचा, जहां उसका इलाज शुरू हो सका। सरकार एक तरफ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर तमाम दावे करती है, वहीं ऐसी तस्वीरें न सिर्फ सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खोलती नजर आती हैं, बल्कि हर साल करोड़ों रुपए के बजट खर्च वाली स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करती नजर भी आती हैं। वहीं सवाल ये भी है कि यदि कोरोना महामारी जैसे समय में भी हालात ये हैं तो आगे क्या होगा। मैं लेकर आए हो, एम्बुलेंस नहीं मिली क्या? इनको का बीमारी है, क्या समस्या है? पेट में गैस बनती है तो आपको कोई एम्बुलेंस नहीं मिला? रिक्शा से लेकर आए हैं? जानकारी दी। आप एम्बुलेंस के लिए फोन नहीं लगाए थे? हम साहब ना हमारे फोन रहा है, हम जब सीना तो वहाँ के किसी से नहीं बताए थे आप? अब वहाँ से तो रहे हैं डॉक्टर लोग, वो बताएं कि लग जाओगे भाई। तो वहाँ के हॉस्पिटल से रेफर किए हैं आपको? जी। बाणसागर से? जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम गोपाल। हैं? राम गोपाल। राम गोपाल राजा जिलगंज। तो हॉस्पिटल से रेफर किए हैं इनको? जी। क्या नाम है आपका? राम गोपाल यादव। उनका क्या नाम है वो मरीज का? छटंकी गोड़। छटंकी गोड़। रिक्शा से लेकर क्यों आना पड़ा आप लोगों को? अब नहीं मिला साधन तब रिक्शा से लेके आए। अच्छा, चलिए ठीक है।